हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब भी कोई माँ गर्भवती होती है तो उसकी वजह से उसके अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसका दिल और माँ का दिल एक साथ ही धड़कता है। क्या ये बात सच है? आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो से। जी हाँ, कई ऐसे शोध से इस बात का सामना हुआ है और ये बात सामने आई है कि यदि किसी महिला के गर्भ के अंदर कोई भ्रूण या फिर कोई बच्चा पल रहा होता है तो उस अजन्मे भ्रूण की धड़कने और मां की धड़कने एक साथ ही धड़कती हैं। लेकिन ये केसेस काफी कम देखे गए हैं। लेकिन कम है तो क्या हुआ, केसेस तो है ना। और इसी चीज का परीक्षण जब भी डिलीवरी होती है तो उस समय पर किया जाता है। कई डॉक्टर्स का ऐसा भी मानना है कि माँ और बच्चे की धड़कने बिल्कुल एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलती है। जिस तरीके से माँ का दिल धड़कता है ठीक उसी तरीके से बच्चे का दिल भी धड़कता है। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि जब बच्चा पहली बार पैदा होता है तो उसकी वजह से जब वो पहली बार हवा में सांस लेता है तो उसके फेफड़ों के अंदर हवा भर जाती है और वो निरंतर सांस लेना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसी समय उसकी धड़कनों की गति माँ की धड़कनों की गति से अलग हो जाती है। एक कारण यह भी माना जाता है क्योंकि माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ के अंदर रखती है, इसी वजह से उसकी धड़कने अच्छे तरीके से और माँ की धड़कनों को मैच करते हुए ही चलती हैं। इसीलिए अगर आप भी माँ बनने वाली हैं और अपने बच्चे की धड़कनों को सुनना चाहती हैं तो आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख सकती हैं, क्योंकि आपके बच्चे की धड़कनें भी बिल्कुल आपके दिल की धड़कनों की तरह ही धड़कती हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।